नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बिजली संविदा कर्मचारी हजरतगंज के शक्ति भवन के सामने कर रहे प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में सड़क जाम कर रहे प्रदर्शन। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कराते हैं काम। अलग अलग जनपदों से आए बिजली संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे संविदा बिजली कर्मचारियों को पुलिस बल ने इको गार्डन भेजा। संवाददाता विनाश साहू की रिपोर्ट। मेरी मांगे ये है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। उसी कार्य को जब एक्स आर्मी करता है तो उन्हें 24,000 रुपए और हमें 8-9 हजार रुपए। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है? सरकार का दो तरफा नियम चला रही है। ये सरासर हम लोगों के साथ ना इंसाफी हो रही है। हमारे साथियों के हाथ पैर चले जाते हैं, चोटी ले जाते हैं। इतना खतरे का काम करते हैं सफाई कर्मचारी, इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? अक्सर अनदेखा किया। दूसरी बात, जब हम अपने अधिकारियों से कहते हैं किसी काम के लिए, किसी के साथ कोई जब दुर्घटना होती है तो वो कहते हैं कि अपने फर्म से बात करो। ठेकेदार कह देता है कि आप अधिकारियों से बात करो। उस स्थिति में हमारी लाइनमैन की मृत्यु हो जाती है। सरकार को देख नहीं रही है, सोच नहीं रही है। ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इंकलाब, 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 इंकलाब। हमारी मेन मांग, प्रमुख मांग है कि मस्टोल व्यवस्था लागू की जाए, ये ठेकेदारी व्यवस्था खत्म की जाए। और एक मांग ये है कि जो न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये है वो हमारा किया जाए। और इसी तरीके से हमारे सैनिक कल्याण निगम की जो पावर कारपोरेशन द्वारा टेंडर होता है तो उनका 24,000 का होता है और हमारा जो उसी कार्य का कार्य जो होता कर रहे हैं हम लोग, उन संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 11,000 का कार्य दिया जाता है, जबकि हमें उसमें काट पीट करके 9,000 और 7,500 दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। मांगे क्या है? मांगे यही मांगे हैं कि जो हमारी न्यूनतम वेतन हमारा पूरा किया जाए, 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमारा जो मोबाइल भत्ता है, पेट्रोल भत्ता है, एक नॉर्मल चीजें हैं जो दी जाए हमें। काम है कि हम लोगों का मांग जो है 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन 18,000 कर दिया जाए, जो कि वास्तव में इस महंगाई के जमाने में 7,000 रुपये में कोई भी अपना परिवार पालना पोषना नहीं कर सकता है। आज के जमाने में 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, 12 घंटे के बजाय 24 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों की सरकार से अन्याय ही किया जा रहा है। न्याय के नाम पर अन्याय ही किया जा रहा है। बार बार जो सरकार द्वारा आज हम कर देंगे, आज कर देंगे, आज कर देंगे, आज तक कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ मांगे हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं न्यूनतम मजदूरी 18,000 हो, उसके बाद दूसरी मांग है कि हम लोग हमारे बीच से ठेकेदारी खत्म करके उसके बाद जो है हम सब विभाग के द्वारा किया जाए, मास्टर रोल के साथ किया जाए, मास्टर रोल का समायोजन किया जाए, उसके बाद जो हम जो लोग हम लोगों को 5 लाख है उसको 10 लाख किया जाए, यही हमारी प्रमुख मांगे है। इसके बाद भी सरकार पेट्रोल भत्ता दिया जाए, मोबाइल भत्ता दिया जाए, जो अन्य सुविधाएं सबको मिलती है सरकारी मौके में मिल रही है वह सुविधा हमको भी दिया जाए, जो कि हमसे 24 घंटे का काम लिया जाता है, 12 घंटे 8 घंटे के बजाय 24 घंटे ड्यूटी किया जाता है। ये बताइए कहाँ का न्याय है? कौन सी संगत वाली बात है? जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भी हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको पहले सही किया जाए। गलत जो शोषण किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा भी, अधिकारियों द्वारा भी शोषण होता हमारे साथ। जो कार्य हमसे लिया जा रहा है वो कार्य के अनुरूप अनुरूप नहीं होता है और कार्य के अनुरूप हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है, पहली बात। उसी चीज ईपीएफ जो मिलता है 7,500 रुपये में हम अपने परिवार चलाते हैं, पोल पे चढ़ते है, जान जोखिम डाल के कार्य करते हैं, क्या यह उचित है? सबको पता है कार्य पेट्रोल हम लोग जो भी हो, महंगाई जो भी है सबको पता है, आपको भी पता होगी, लेकिन हमारे जो साथ है उस परिवार चलाने के साथ साथ हम अपनी बाइक से खुद जाते हैं और उसे फील्ड में कार्य करते हैं। जो कार्य सरकारी महकमे का वो सब हम करते हैं, उसके अनुसार हमको कार्य नहीं दिया जाता, उसके साथ अनुसार हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है। जो समान कार्य समान वेतन की बात कही जाती है सरकार द्वारा, उसका 1% नहीं कार्य किया जाता हमारे साथ।